good morning students welcome again business studies class in last session we have discussed about marine insurance and health insurance now in this session we will discuss about warehousing which is also one business services warehousing i think this topic you have done in chapter 1 but what is the meaning of the warehousing it is a place where surplus goods are stored warehousing enables businessmen to enable goods throughout the year and sell them वेन एवर देर इज एडिक्यूट डिमांड बेसिकली इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाई ब्रिजिंग द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजन ऑफ द गुड्स बेसिकली वेयर हाउसिंग हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि टाइम गैप होता है हमारा प्रोडक्शन का और कन्ज्प्शन ऑफ गुड्स का और तब तक गुड्स को स्टोर करके रखना जब तक कि उसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती तो उसके लिए हमें वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है एंड इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी टाइप्स ऑफ वेयर the various types of warehouses are as follows first is private warehouse this warehouse are built by the businessman for their own use yes sir warehouse jo businessman apne use ke liye banata hai the goods purchased or the surplus goods produced or manufactured are stored in the warehouse time to time जो बिजनेसमैन गुड्स बनाते हैं या फिर वो खरीद कर बेचते हैं तो वो गुड्स को जो सरप्लस गुड्स होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं एंड दीज वेयर हाउस डू नॉट प्रोवाइड एनी फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज टू द अदर बिजनेस मैन ये बिजनेस मैन दूसरे बिजनस मैन को यूज़ नहीं करने देते एंड वेरी फ्यू बिजनस मैन कैन अफोर्ड टू ऑन दियर हाउस बिकॉज ड्यू टू हैवी कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन इसमें बहुत सारा पैसा लगता है इसलिए काफ़ी कम बिजनस मैन इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट वेयर हाउस हमारे कब कब कंडीशन में यूजफुल होते हैं वैन फुल यूटिलिटी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज जब वैन बिजनस मैन रिक्वायर मोर स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्राइवेट वेयर हाउस एंड वैन अ स्पेल टाइप ऑफ वेयर हाउस रिक्वायर टू मीट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जब आपको स्पेशल टाइप के वेयर हाउस की, की जरूरत पड़ती है एंड वैन द गुड्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएटली बाई बिजनस हाउस और जब आपको एकदम जरूरत पड़ जाती है गुड्स की तो सो so, प्राइवेट वेयर हाउस आर बिल्ड बाय द बिजनस मैन सेकेंड इज पब्लिक वेयर हाउस दीज वेयर हाउस आर बिल्ड बाई द गवर्नमेंट और बाय सम कंपनी बिकॉज ऑल द बिजनस मैन कैनॉट अफोर्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन वेयर हाउस जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि हर एक बिजनेस मैन जो है अपना वेयर हाउस नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता ड्यू टू तो हैवी कॉस्ट ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन सो तो सो दे डिपेंड अपॉन पब्लिक वेयर हाउस टू स्टोर देयर गुड्स ट्रेडर्स मैनुफैक्चर और एनी मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक कैन यूज पब्लिक वेयर हाउस आफ्टर पेमेंट ऑफ तो स्टोरेज फीस और चार्जेस कोई भी मेम्बर कोई भी मैनुफेक्चर इसको यूज़ कर सकता है और इसके फिक्स चार्जेज और रेंट जिसको हम बोलते हैं वो देकर इसको यूज़ कर सकता है एंड दीज वेयर हाउस आर गिवन लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट एंड देयर मैथड ऑफ ऑपरेशन एंड चार्जेज आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ये हमारे कब सुटेबल होते हैं वेन द मैनुफेक्चरर डू नॉट हैव देयर ओन स्टोरेज स्पेस जब एक मैनुफैक्चर अपना वेयर हाउस नहीं बना सकता एंड इन केस ऑफ सीजनल प्रोडक्ट विच रिक्वायर स्टोरेज ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर जब आपको कुछ ही टाइम के लिए सिर्फ स्टोर करके रखना होता है अपने प्रोडक्ट्स जैसे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं ऑन दैट टाइम वी विल यूज पब्लिक वेयर हाउस एंड वैन स्टोरेज इज़ नीडिड क्विकली एंड पब्लिक वेयर हाउस कैन बी यूज एज अ सिक्योरिटी ये हमारे एक सिक्योरिटी की तरफ भी काम करते हैं बिकॉज अगर आपको फाइनेंस को लोन लेना है तो आप अपने गुड्स को के ऊपर भी आप लोन ले सकते हैं दैट इज कॉल्ड मोटरिज लोन नेक्स्ट इज गवर्नमेंट वेयर हाउस दीज वेयर हाउस आर ओन मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वेयर हाउस ऑफ सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन आर एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट वेयर हाउस ऐसे वेयर हाउस जिनके ऑनड और मैनेज कौन करता है गवर्नमेंट करती है दैट इज अ गवर्नमेंट वेयर हाउस नेक्स्ट इज बॉन्डिड वेयर हाउस दीज वेयर हाउस आर लाइसेंस बाई द गवर्नमेंट टू स्टोर द इम्पोर्टेड गुड्स ऑन विच इम्पोर्ट ड्यूटी इज नॉट पेड बेसिकली दीज वेयर हाउसेज आर एस्टेब्लिश नियर बाई द पोर्ट बिकॉज ऑल द इमोर्टर हैव टू पे कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड इम्पोर्टेड फ्राम डिफरेंट प्लेस वैन इम्पोर्टर फेल टू पे द कस्टम ड्यूटी दैन देअर गुड्स आर कैप्टन बॉन्डेड वेयर हाउस अगर इम्पोर्टर जो है इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट उनके गुड्स को बॉन्डेड वेयर हाउस में रख देती है एंड गुड्स नॉट बी रिमूवड फ्रॉम दीज वेयर हाउस अंटी द ड्यूटी इज पेड जब तक ड्यूटीज पे नहीं करते तब तक गुड्स को वहाँ से रिमूव नहीं किया जाता रिलीज नहीं किया जाता दीज वेयर हाउस वॉक अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द कस्टम ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज बेसिकली ये कस्टम अथॉरिटीज के अंडर ये काम किया जाता है इसमें तो दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स एंड आर वेरी यूजफुल इन फॉरन ट्रेड एंड लास्ट इज कॉपरेटिव वेयर हाउस दीज वेयर हाउस आर ऑन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई cooperative undertakings. हमने यूनिट टू में कॉपरेटिव सोसाइटीज़ किया था तो कॉपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ आल्सो प्रोवाइड वेयर हाउसिंग फैसिलेट टू देअर मेम्बर्स बेसिकली जो आपके मार्केटिंग वाले होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटेट करते हैं वेयर हाउसिंग की एंड इन इन आर कंट्री एन सी डी सी नेशनल कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इज डेवलप अंडर ऑन कोऑपरेटिव लाइन्स तो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेयर नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ़ वेयर हाउस देर आर वेरियस फंक्शन ऑफ़ वेयर हाउस फर्स्ट इज कंसोलीशन द वेयर हाउस रिसीव एंड कंसोलीटेड गुड्स फ्राम डिफरेंट प्रोडक्शन प्लाट्स एंड डिस्पैच दैम टू अ पर्टिकुलर कस्टमर यू कैन सी द डायग्राम कि एक जो वेयर हाउस है प्लांट ए से भी प्लांट बी और प्लांट सी से भी उनके गुड्स को स्टोर करके कर रखता है और अगर किसी कस्टमर्स को ए बी और सी तीनों ही गुड्स अगर आपको चाहिए तो वो वहाँ पर उनको वो रिलीज भी कर देता है मतलब ए की कस्टमर को सारे आपके गुड्स हैं डिस्पैच एक ही वेयर हाउस से हो जाते हैं सेकेंड इज ब्रेकिंग द बल्क द वेयर हाउस डिवाइड द बल्क क्वान्टी ऑफ गुड्स रिसीव फ्राम द डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स इन टू स्मॉल क्वान्टिटी एंड देन ट्रांसपोर्ट दैम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट्स टू देयर प्लेस ऑफ द बिजनेस इसमें क्या करते हैं वेयर हाउस बल्क क्वान्टिटी में आपके जो है गुड्स रख लेते हैं और स्मॉल स्मॉल क्वान्टिटीज में जैसे क्लाइंट्स की डिमांड होती है उस हिसाब से उनको क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट्स थर्ड इज कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द गुड्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेयर हाउस इज़ टू कीप द गुड्स कलेक्टेड एंड प्रॉपरली स्टोरेज एस सो एज टू यूज दैम एट अ टाइम ऑफ नेसेसिटी बेसिकली गुड्स को स्टोर कर करके रखना ताकि जिस टाइम पर उसकी डिमांड होगी तब तक हम उसको क्या करेंगे सप्लाई कर सकें एंड इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द वेयर हाउस कीपर टू इंश्योर देयर सेफ्टी हम उनके सामान को सेफ्टी भी रखनी है कहीं तो हमारी ड्यूटी होती है अगर कोई भी रिस्क डैमेज या लॉस होता है दैट इज़ ट्रांसफर फ्राम ऑनर टू द वेयर हाउस कीपर तो सारा लॉस कौन उठाएगा वेयर हाउस कीपर एंड नेक्स्ट इज बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई एंड स्टेबिलिटी इन प्राइस गुड जो आपके हम क्या करते हैं स्टोर करते हैं वेयर हाउस में एंड वैन देयर सप्लाई इज लार्ज दे आर टेकन आउट वैन देयर डिमांड इज मोर इट मीन्स अकॉर्डिंग टू डिमांड वी विल सप्लाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट मोर डिमांड देर विल बी मोर सप्लाई लेस डिमांड देर विल बी अ लेसाई

हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होता रहे तो दीज आर द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस नाउ वी विल डू नेक्स्ट बिजनेस सर्विसेज दैट इज अ कम्युनिकेशन सर्विसेज विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन आर बिजनेस एंड देर इज अ टू मोड ऑफ कम्युनिकेशन वन इज अ पोस्टल सर्विसेज एंड सेकेंड इज अ टेलीकॉम सर्विसेज टेलीकॉम सर्विसेज स्टूडेंट्स यू आर यूजिंग वेरी वेल बिफोर एक्सप्लेन दिस वॉट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अ फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आइडियाज फैक्ट्स एंड फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कम्युनिकेशन आपको आता है अपने आइडियाज को इन्फॉर्मेशन को पास करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ अभी भी हम कम्युनिकेट ही कर रहे हैं आई एम डिलीवरिंग लेक्चर हेयर सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट तो अपने आइडियाज को फीलिंग्स को क्या करना ट्रांसफर करना दैट इज अ कम्युनिकेशन एंड इट्स एंड कम्युनिकेशन सर्विस आर हेल्पफुल टू द बिजनेस मैन फॉर एस्टेबलिशिंग लिंक्स विद द आउट वर्ड सप्लायर्स कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स एंड बिजनेस कैनोट exist इन आइसोलेशन तो स्टूडेंट जो पोस्टल सर्विसेज जो पार्ट है अब आपके सिलेबस में नहीं है अब हम जो डिस्कस करेंगे पोस्टल स्कीम्स को डिस्कस करेंगे पोस्टल सेविंग स्कीम्स कौन कौन सी होती हैं एक्चुअली में पोस्टल सर्विस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न बिजनेस इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स वेरियस पोस्टल सर्विसेज अक्रॉस इंडिया थ्रू 22 पोस्टल सर्कल्स फर्स्ट पोस्टल सेविंग स्कीम इज रिक्यूरिंग डिपोजिट अकाउंट आर अकाउंट दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन इंडिविजुअल कोई भी खुलवा सकता है सिंगल अडल्ट और अ टू अडल्ट ज्वाइंटली और ये अकाउंट आप जैसे कि हमारे बैंक्स में भी होते हैं आर अकाउंट एंड इट इज ऑल्सो ऑफर्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट ऑल पोस्ट ऑफिस कंट्रीज इन द कंट्री आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में उसको खुलवा सकते हैं बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट आर डी ए की टेन रुपीज़ और जब आपको इसको मनी डिपॉजिट में आने तो मल्टीपल ऑफ रुपीज़ फाइव फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड एंड टाइम पीरियड इज अ फाइव ईयर्स एंड डिपॉजिटर गेट इंटरस्ट सेवन पॉइंट टू परसेंट एंड यू विल गेट इंटरस्ट एज अ क्वार्टरली बेसिस एंड दिस स्कीम इज मैंड फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट टू डिपॉजिट अ फिक्स टाइम एवरी मंथ जो हर महीने एक पैसे जमा करवाना चाहते हैं एंड इन ऑर्डर टू गेट अ लम सम अमाउंट आफ्टर फाइव ईयर्स एंड नेक्स्ट इज नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट एन एस एस सी दिस इज आल्सो इशूड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नी इंडिविजल सिंगल और ज्वाइंटली और बिहाफ ऑफ द माइनर किसी माइनर के बिहार पर उसके गार्जियन पेरेंट्स भी खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में और एन एस सी जो आपका इशू होता है रुपीज हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन थाउजेंड फाइव थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड फॉर अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एन एस एस सी अपू यहाँ पर बेटे यहाँ पर वन लाख रुपीज लिखा है तो आप इसको चेंज करेंगे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ होते हैं इनकम टैक्स रेट जो हमें मिलती है और इंटरेस्ट रेट कितना होता है इसका सेवन पॉइंट नाइन परसेंट नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट एस एस ए दिस स्कीम एनकरेज पेरेंट टू बिल्ड अ फंड फॉर फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसिस फॉर देयर फीमेल चाइल्ड तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल गेट एट पॉइंट फोर परसेंट पर एन एम एंड मिनिमम वन थाउजेंड एंड मैक्सिमम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इन अ फाइनेंशियल ईयर एक साल में हम मिनिमम वन थाउजेंड और मैक्सिमम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इसमें रुपीज़ जमा करवा सकते हैं अ गार्डियन कैन ओपन ओनली वन अकाउंट इन द नेम ऑफ द टू डिफरेंट गर्ल चाइल्ड हम सिर्फ एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं और अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्वेंटी वन ईयर इसका जो मेचोरिटी डेट होता होता है ट्वेंटी वन ईयर होता है नॉर्मली इसको हम कभी भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एटीन ईयर प्रोवाइडेड दैट गर्ल्स इज मैरिज जब गर्ल की एटीन ईयर की होती है तब भी इसको हम बंद करवा सकते हैं नेक्स्ट इज पी पब्लिक प्रोविडेंट फंड इंडिविजुअल्स व रेजिडेंट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू ओपन देर अकाउंट अंडर द पीपीएफ और इसमें इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है फिफ्टीन इयर्स के लिए होती है और एनअल कंट्रीब्यूशन मिनिमम आपको 500 और मैक्सिमम यहां पर भी वन लाख लिखे इसको आप चेंज कर लेंगे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड था। पर एन आप मैक्सिमम वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आप जमा करवा सकते हैं और इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो है सेवन पॉइंट नाइन परसेंट के हिसाब से मिलते हैं इंटरेस्ट रेट कई बार चेंज होता रहता है जैसे आजकल कोविड नाइन्टीन है तो इसमें थोड़ा सा इंटरास्ट रेट हमारा रिड्यूज़ हुआ है और इन्वेस्टमेंट इन पी पी एफ अप टू रुपीज़ यहाँ पर भी आप चेंज करेंगे वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पर एन एम क्वालीफाई फॉर इनकम टैक्स रिबेट इसमें भी हमें इनकम टैक्स रिबेट वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की मिलती है एंड लास्ट इज मंथली इनकम स्कीम्स एम आई एस द पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स प्रोवाइड्स

हु वॉन्ट इन्वेस्ट सम अमाउंट इनिशियली एंड ऑन इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस ये उनके लिए है जो अपने मंथली बेसिस पे जिनको इंटरेस्ट चाहिए होता है एम आई एस इज मैन टू प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम ऑन अ रेगुलर टर्म बेसिस सो दिस स्कीम टू मोर बेनिफिशियल फॉर अ रिटायर्ड पर्सन ये रिटायर्ड पर्सन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है तो इसको याद करने का स्टूडेंट एक मैथड uh, है कि आप हर एक स्कीम्स के थ्री और फोर पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं एक तो इसका मैच्योरिटी पीरियड एक इसका मिनिमम वैल्यू और कैन ओपन इट इट्स इंटरेस्ट रेट एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ एक तो इसका मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू हु कैन ओपन इट एंड इट्स इंटरेस्ट रेड एंड इट्स टाइम मेच्योरिटी पीरियड तो दैट विल भी इजी फॉर यू फॉर दिस टॉपिक तो स्टूडेंट टूड वी हैउट वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन एंड इन कम्युनिकेशन वी हैव डिस्कस अबाउट Postal schemes and there is one more telecom sectors and that that will be noticed in your syllabus now. And there is one more services that is the transportation and that topic we have done in a unit one and our unit four is completed now. Thank you, students.